अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुबैर फारूक एक मतलब फिर से आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम खुश आमदीद और जी आरो करता हूँ। तो आज जो है ना साथ का बाद में एक और फूड पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। अभी जो है ना वो हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं देसी फूड। देसी फूड में जो है ना वो कढ़ाइयाँ आती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और आपने शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो अभी हम आपको यहाँ पर लेकर चलते हैं अलसर रेस्टोरेंट साथ का बाद के ऊपर। यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही कमाल की देसी मुर्गे की कढ़ाइयाँ, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई और चिकन कढ़ाई दी जाती है। तो यहाँ पर आपको लाइव कढ़ाइयाँ दिखाते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर मौजूद है वही सिंपल सी 6 से 8 बटियाँ, जहाँ पर जो है ना वो चिकन कढ़ाई लगाई हुई है, बहुत उमदा किस्म की मटन कढ़ाई और बीफ कढ़ाई जो है ना वो सर्व की जा रही है। ये जो है ना आप देख रहे हैं कढ़ाइयाँ उबल रही है ना, ये बेसिकली इनमें मटन या जो है ना वो स्पेशल किस्म का मुर्गा देसी जो है ना वो बन रहा होता है। भाईजान जो है ना इस वक्त योगर्ट कर्ड के एडिशन के साथ बहुत ही उमदा किस्म की कढ़ाइयों को लगा रहे हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये देसी मुर्गा है, उसकी वजह क्या है, इसकी जो लेंथ पीस है ना उसकी जो लेंथ काफी बड़ी थी, तो मैंने आते ही कहा कि ये जो है ना वो देसी मुर्गे की कढ़ाई है। यहाँ पर जो है ना मटन कढ़ाई भी लगाई जा रही है। जब कहा मेरा ख्याल है कि अलसर रेस्टोरेंट के ऊपर असर के बाद होता है और असर के बाद यहाँ पर लगाई जाती है देसी कढ़ाइयाँ और मटन। अलसर कोयला कढ़ाई की लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन जो है ना वो अहमदपुर लमा रोड के ऊपर है। ये वो अहमदपुर लमा रोड जा रही है, सामने चैन विला एज यूजुअल और केएलपी रोड, आप इसको बिल्कुल नहीं भूले होंगे क्योंकि हमारी मोस्टली साथ का बात की फूड स्ट्रीट यही से बिलोंग करती है। ये जो है ना इनकी एक शेफ है जो कि यहाँ पर कढ़ाइयां लगा रहे हैं। आप ये सामने चेक करें कस्टमर्स का रश कितना ज्यादा है। यहाँ पर जो है ना इनके बैठे होते हैं बुचर जो कि बहुत ही कमाल का बीफ हो, मटन हो, जो है ना वो रहने सहने चिकन हो वो लगाते हैं और उमदा किस्म का फूड प्रेजेंट करते हैं। अभी भी भाईजान बिजी है, जब मैं आया था तब भी ये बिजी थे। इसका मतलब ये है यहाँ पे काम की जो है ना नौजत वो बहुत ज्यादा है। ये चेक करें जो है ना वो स्पेशल किस्म की इनकी जो है वो चिकन देसी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, साथ में जो है ना वो ये दूसरी जो है ना वो चिकन देसी, ये अलग अलग कढ़ाई है। अब इसको जो है ना वो कंबाइन करके बेसिकली इसको जो है ना फाइनल करने वाले हैं माशाल्लाह से। जैसे जैसे रात मजीद बढ़ रही है उसी तरह जो है ना वो बीफ की कढ़ाइयों को रख के इस वक्त भूनने के लिए तैयार किया जा रहा है। आग फायर जो है ना ऑन हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही कमाल की। यार यहाँ पे ऑर्डर्स की बात की जाए तो आप बहुत ही कमाल के यहाँ पे ऑर्डर्स आ चुके हैं। ये कम से कम जो है ना वो 3 कढ़ाइयों में इन्होंने 5 किलो मटन ऐड किया हुआ है। अभी जो है ना इनमें सारे मसाला जार वगैरह लगा के भटिया शरीफ फ्री कर लिए इन्होंने और उनमें जो है ना जो मटन पकड़े के लिए तैयार होने वाला है। मटन का और देसी चिकन का काम बहुत ज्यादा है, हालांकि इस रोड के ऊपर देसी चिकन का काम मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा है, यूजुअल मटन का है, लेकिन देसी चिकन का एक एज है जो कि अलसर रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको। इसका ये थीम है बेसिकली कि देसी चिकन और मटन जो है ना वो यहाँ पे अपने जो है ना वो कस्टमर्स को खिलाया जाए। 3 कढ़ाइयाँ जो है ना वो 5 किलो मटन के साथ रेडी होने के लिए उन जगह पे जा रही हैं, वो वहाँ पे 3 बटियाँ खाली कर दी गई हैं। बीफ कढ़ाइयों को भूनने के लिए स्पेशल किस्म का योगर्ट कर्ड ऐड करके इसको बेहतरीन किस्म का बना रहे हैं। अलसर जो है ना रेस्टोरेंट की यही कमाल की बात है। मेरा ख्याल है कि अहमदपुर लम्मा स्ट्रीट फूड स्ट्रीट को आप बिल्कुल मिस करने वाले नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फूड लगाया जाता है वो बहुत ही यूनिक है। मटर की जो कढ़ाइयाँ 5 किलो का जो इनका ऑर्डर आया हुआ है बेसिकली उसको जो है ना वो ये अब बनाने लगे हैं। जैसे हम लोग कुकर में रखते हैं, ये कुकर में नहीं रखते, ये आग ला के इसके ऊपर कढ़ाई से ढांप देते हैं और ढाम के इसको इतना पकाते हैं कि ये अंदर से गल जाता है। ये चेक करें बिल्कुल सिंपली देख रहे हैं उन्होंने हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और मीट को ऐड करके इसके अंदर पानी डाल के इसको रख दिया और अब इसको जो है ना वो ढांपेंगे और ये खुद ही बनेगा तकरीबन जो है ना वो 40 से 45 मिनट के पकने के बाद। ये देखिए इसको ये ढांप दिया, 1, 2 एंड 3 चिकन कढ़ाई आ गई है रेडी होने के लिए। यार ये क्या बात है, मेरे खड़े होते हुए यहाँ पे कम से कम 10 बार ऑर्डर आ गए। कमाल का जो है ना वो बीफ रेडी हो चुका है। इसका जो है ना ये हल्का का व्हाइट लग रहा है ना, ये आपको जो है ना कर्ड का सहका देने वाला है और बाकी जो है ना वो ग्रीन चिली है इसके ऊपर। ये चेक करें और ये देसी चिकन चेक करें आला। यहाँ पर जो है ना वो बहुत ही हैवी किस्म का मिंट मार्गरिटा भी जो है ना वो दिया जाता है, आप ये चेक करें। ओए होए होए आला। यहाँ पर आपको जो है ना मिलेगा बीफ कीमा, आप ये चेक करो मेरे सामने बीफ कीमा रेडी हो रहा है बहुत ही कमाल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अपना अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है ना रेस्टोरेंट पे कब से आ रहे हैं? हमें 2-3 साल हो गए हैं। कैसा टेस्ट है इनका? बहुत अच्छा टेस्ट है इनका,
हम यहीं आते हैं, जब भी आते हैं हम यहीं आते हैं। कहीं और आपने नहीं गए? कहीं जैसा तीज रेस्टोरेंट है या और भी रेस्टोरेंट आप कहीं नहीं गए? टेस्ट किए हैं लेकिन उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, हम इसलिए यहीं आते हैं हर बार। अच्छा, इनका क्या चीज बेस्ट है? चिकन कढ़ाई बेस्ट है, मटन कढ़ाई बेस्ट है, बीफ बेस्ट है? हम बीफ खाते हैं, बीफ बहुत अच्छा है, मटन भी खाई है, वो भी अच्छी है। वो भी अच्छी है जी, चिकन नहीं टेस्ट किया अभी। नंबर देने आपने 10 बहुत अच्छे हैं, 0 बुरे हैं, दरमियान भी नंबर दे सकते हैं, बताए क्या नंबर देंगे आप? 10। 10 में से 10 देंगे? यस। कोई नंबर नहीं काटेंगे? नो। अच्छा, बड़ी बात है यार। ये यहाँ पे बीफ कढ़ाई जो है ना वो भाईजान खा रहे हैं, हसन भाई जो है ना ये मसूर का खाने में, और ये इनके साथ दोस्त भी हैं। हमेशा की तरह हर दिल अजीज बीफ मटन कढ़ाइयाँ यहाँ पर रेडी की जा रही है, बहुत ही कमाल की लेकिन लुक आ रही है। आप जो है ना वो चेक करें, ग्रीन चिली का एडिशन इसमें और कमाल का हो गया। तो यहाँ पर जो है ना वो हैवी किस्म का फूड कुक किया जाता है, कस्टमर जिस चीज के यानी शायद गवाह है। इनका जो है ना वो बीफ कीमा है, बीफ कीमे की लुक चेक करें जो है ना इस वक्त रेडी हो चुकी है। इस वक्त ऑर्डर आ रहे हैं अंडा किस्म के, और सर्विंग रेडी हो चुकी है जी। ये गया ऑर्डर, अगर आप देख सकते हैं तो ये चेक करें, यहाँ पर जो है ना वो 7 से 8 किलो चिकन मौजूद है, देसी चिकन। ये चिकन देसी है, 1, 2 ये चेक करें, 3, 4 जहाँ पर आपको मिलेंगी, 5, 6 और 7 कढ़ाइयाँ मिलेंगी जो कि देसी चिकन की है। बेसिकली ये जो है ना कस्टमाइज किस्म का देसी चिकन यहाँ पर रेडी करवाया गया है, जो कि स्पेशल कस्टमर्स आते हैं अपनी जो है डिमांड के ऊपर, वो इनको जो है ना वो रेडी कर देते हैं और उसको फिर वो यहाँ पर आके बैठ के अपना फूड इंजॉय करते हैं। ये भी इनका हॉल मौजूद है माशाल्लाह से। तो ये जो है ना अलसर रेस्टोरेंट आपको अच्छे फूड के साथ साथ जो है ना एक अच्छा एम्बियंस भी प्रोड्यूस करके दे रहा है, जहाँ पर आप बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली ना अब रहमान प्रॉपर्टी एडवाइजर है इनका जो है ना, ये साथ ही रेस्टोरेंट है बेसिकली, ये रेस्टोरेंट और ये एक ही ऑनर है इनके। तो ये जो है ना इनका बेसिक हॉल है, यहाँ पर जो है ना इनका एसी हॉल है, जहाँ पर जो है ना वो कस्टमर्स बैठते हैं और बैठ के अपना फूड इंजॉय करते हैं। तो इन्होंने जो है ना वो माशाल्लाह से साथ में प्रॉपर्टी का भी काम हुआ हुआ है इनका स्टाफ। और आप ये चेक करें, यहाँ पर जो है ना वो एसी हॉल मौजूद है, तो यहाँ पर जो है ना वो कस्टमर्स यहाँ मतलब जो है ना वो बैठते हैं और लोग यहाँ पे बैठ कर फूड इंजॉय करते हैं। शुमाल से लेकर जुनूब तक और मशरक से लेकर मगरब तक तमाम कढ़ाइयाँ जो है ना वो रेडी की जा रही हैं। भाईजान जो बहुत ही बिजी है, मेरा ख्याल है कि इतने ज़्यादा बिजी भाई को हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और हम जो है ना वो काली मिर्च वाली कढ़ाई को इग्नोर करिए बगैर जो है ना आपको दिखाते हैं इनकी फैमिली सेटिंग। तो माशाल्लाह से हैवी किस्म का ये इनका सेटअप मौजूद है। अभी जो है ना वो हम आपको यहाँ पे इनकी फैमिली जो है ना उनकी सेटिंग दिखाते हैं कि फैमिली के लिए इन्होंने कौन सा जो है ना वो हॉल दिया हुआ है। फैमिली हॉल की बात की जाए तो उसके लिए मुझे जो है ना ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपको जो है ना इनकी एंट्री दिखा देते हैं। ये जो है ना इनका फैमिली हॉल है बेसिकली, ये भी यहाँ पर भी चौकियाँ मार के आप फूड इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है ना वो टेबल शेबल रखे हुए हैं। सबसे बेहतरीन अगर बात की जाए तो इनका रूफ टॉप है, यहाँ पर बैठ के फूड इंजॉय करना ये ख्वाब है। अब ये चेक करें, 7 का बाद जो है ना वो नीचे रह चुका है और आप यहाँ पर ऊपर बैठ के बहुत ही कमाल का फूड इंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब जो कि अलसर रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपका ये रेस्टोरेंट मैं काफी ज्यादा रश देख रहा हूँ माशाल्लाह, ये कब से है यहाँ पे? इसको माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं। तो कौन सी ऐसी जो है ना वो आप कढ़ाई बना रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, किस तरह कस्टमर्स का जो है ना वो रश में माशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे बहुत ज्यादा है? ये हमारी कोशिश है कि हम जो भी हमारे पास कस्टमर हैं उसको अच्छी सर्विस दें, अच्छा खाना दें, इसलिए ये हमारी मेहनत की 6 साल की मेहनत है माशाल्लाह। वो 6 साल में दिख भी रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पूरी फूड स्ट्रीट में मैंने देसी मुर्गे का काम कहीं नहीं देखा, तो ये देसी मुर्गे वाला आइडिया खुद से आया या कोई मतलब किसी ने कहा कि आप इसको इंट्रोड्यूस करवाए टेस्ट को देखते हुए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राहक मांगते हैं आके, जो आया खाया फिर दोबारा आते हैं, बार बार आते हैं, देसी मुर्गा वाला इंशाल्लाह बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। बिल्कुल, मेरा ख्याल है काली मिर्च और हरी मिर्च के दरमियान ही पकाते हैं, इसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं करते कुछ? सुर्ख मिर्च हमारे पास नहीं होते। नहीं होती आपके पास? नहीं। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला। मेरा ख्याल है कि अब यहाँ से मूव ऑन होने का वक्त हुआ चाहता है, हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जो हमें याद रखिएगा अलसर रेस्टोरेंट की तरफ से और मेरी तरफ से, आपको अल्लाह हाफिज़।